संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान जी गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। तो इस चैनल पर बहुत ही स्ट्रांगली ब्लॉकेजेस थे जो हील हुए हैं परमात्मा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से। और हमारे आसपास भी ऐसे लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी जिनके अंदर थी, जिसे हील उनको हीलिंग प्राप्त हुई। तो यदि आप हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप प्रणाम कर लीजिए। जय माता दी। देखिए, हीलिंग अगर आप सीखते हैं या आपने सीखा है तो आपके लिए ये मार्गदर्शन है। तो आपको डेली मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। यदि आपको बाय चांस कभी समय नहीं मिलता है तब आप स्किप कर सकते हैं। जनरली आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे क्या होता है, आपका वाइब्रेशन बढ़ते रहता है, ब्लॉकेजेस नहीं आते हैं। यदि आप हीलिंग सीख कर छोड़ देते हैं तो आपको वैसे ही मतलब लोअर वाइब्रेशन फील होता है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो आती है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपसे बहुत कंपटीशन रखा, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि एक जेलसी वाली एनर्जी रही है। 5 नंबर इनका हो सकता है, 7 नंबर इनका हो सकता है। इस व्यक्ति ने आपके और आपके क्लोज वन के बीच में कहीं ना कहीं भ्रमित, ये इल्यूजन स्पेल वाली एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। ये कार्य क्षेत्र से भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के कार्य क्षेत्र से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने इन मैच्योरिटी में इन लोगों के पास ऐसी बातें शेयर कर दी जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, आपके बारे में, अपने बारे में, जिसकी वजह से इनको एक अलग तरीके का क्रोध, अलग तरीके की जलसी, और इनको ये लगा कि हो सकता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही जैसे कहते हैं कि एजुकेटेड हैं, और बहुत सारी चीज़ों में आप बेहतर हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी हुई आप लोगों से कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे, अहंकार उनको लगा कि ये अहंकार की वजह से आपके पर्सन आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और इनको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इनको बता, इस तरीके की एनर्जी है। तो इन्होंने यहाँ पर उनके थर्ड आई चक्र पर जो है प्रोजेक्शन किया, ये कोई भी हो सकते हैं। उनके मेहनत, उनके कार्य पर भी मैं देख पा रही हूँ ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन किसी से लगातार कंटिन्यू या तो कॉल में या तो मैसेज में बात करते रहते थे, जिसकी वजह से उनके तरफ ये जो ऊर्जा है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। और बीच बीच में ये ऊर्जा पूर्णिमा और अमावस्या या मून साइकिल के समय में ये ऊर्जा प्रभावित होती है। उस वक्त में आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा भ्रमित व्यक्ति आपको लग सकते हैं। ये पहले भी इसी एनर्जी में थे, ठीक है। आपसे इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, और आपसे ऐसे लोगों को भी हीलिंग मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक किस्म के हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव किस्म के हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। तो बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और बहुत लोग आपसे जुड़े भी हुए हैं। मतलब आप एक हीलर हो सकते हैं, आपसे लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, और ये रियल में आपकी एनर्जी है, ये रियल में आपकी एनर्जी है, जिसको रोकने की कोशिश आपके आसपास के लोग और आउटसाइडर बहुत ज़्यादा किए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको पूरी तरीके से आपके स्ट्रेंथ को, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश हुई है। यहाँ तक आपके जो क्लोज वन है उनको भी भ्रमित करने की कोशिश हुई है, और वो भ्रमित हुए भी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में थी। अभी हो सकता है कि आपके पर्सन को भी लाया जा रहा है आपके वाइब्रेशन में, लेकिन उनकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में थी और बहुत ज़्यादा लेजीनेस वाली स्थिति मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो देखिए, ये हो सकता है कि आपके क्लोज वन का कार्मिक स्थिति था, ये उनके, जैसे कि मुझे लग रहा है उनके आसपास के लोग ही हैं, और उनके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, उनके आसपास से हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति है। जो भी आपके पर्सन या आपके बीच में जो मिसअंडरस्टूड करवा रहे हैं या जो भी निगेटिविटी करवा रहे हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एक से ज़्यादा लोग हैं, सभी मिले हुए हैं, ये षड्यंत्र करते रहते हैं फ़ोन कॉल्स के द्वारा। ये मिलते नहीं हैं ज़्यादा, फ़ोन कॉल्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पेज ऑफ सोर्स ये कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि आपके पर्सन या आपके बीच में सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टूड कैसे नहीं हो रहा है। तो एक व्यक्ति कहता है कि चलो देखते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या देखते हैं, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है।
लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप पूरी तरीके से कनेक्ट हैं परमपिता परमात्मा जी से। यही कारण है कि आप बैलेंस हैं, आपके लाइफ में जल तत्व और अग्नि तत्व बैलेंस है। तो आपको जहाँ पर जो कहना चाहिए वो आप कहते हैं, परमात्मा जी यूनिवर्स आपसे काफ़ी खुश है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप में से कई लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाला है। एम्परर का काड़ा है, आपके कोई ऐसे क्लोज वन है जो आपको काफ़ी मिस करते हैं, या कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा कुछ कोई तो ऐसा फैमिली मेम्बर है जो आपके बारे में हम एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हुई है आपके पर्सन के साथ सडन हुआ है, ये अक्टूबर नवंबर के समय में हुआ है, ये जून से स्टार्ट हुआ था। ये जो ब्लैकनेस है, ये दो, ये मुझे काली ऊर्जा कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, और ये टेन ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। इनको किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें की है, इनके लिए कुछ ऐसा, मैं बहुत ही निगेटिव चीज़ें यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें आपके पर्सन की ली गई या आपके क्लोज वन की ली गई है, जिस पर ये बार बार चीज़ें की जाती है, ख़ास तौर पर आपके रिश्तों में और आपके आपके पर्सन के प्रोफेशनल ग्रोथ को पूरी तरीके से रोका गया है, ठीक है। पूरी तरीके से मनी ब्लॉकेजेस हुआ है, हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आप पूरी तरीके से जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप अपने घर के, ठीक है। तो ये भी एनर्जी किसी के लिए नज़र आ रही है। इनको ये लगा कि शायद ऐसे तो मिसअंडरस्टूड नहीं हो रहे हैं, यदि आपके पर्सन के लाइफ में एक तो ऑलरेडी कर्मा बैगेजेस हैं और वो इस तरीके से जल्दबाजी में कार्य करते हैं, तो उनके लाइफ में यदि मनी ब्लॉकेजेस हो जाएंगे तो आप लोगों के बीच में जैसे कहते हैं कि एक डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपने पूरी तरीके से संभाला और ये बहुत लंबे समय तक मैं देख पा रही हूँ। आपने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही धैर्य के साथ आपने इन सारी चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, एक स्ट्रेंथ, आप अपने पर्सन के स्ट्रेंथ हो सकते हैं, भले ही वो आपको कहे या ना कहे, माता जी की असीम कृपा आप हैं उनके लिए, ठीक है। उनके मन में ये चीज़ है कि शायद उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनको भी रियलाइजेशन हो रहा था, लेकिन वो किसी टॉक्सिक अपने वातावरण की वजह से या अपने बिहेवियर की वजह से ये चीज़ें नहीं कह पा रहे थे। 8-8 की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है 8-8 के समय में इनको कहीं ना कहीं एक जागृति मिली है, एक इनको समझ में आया है कि सारी चीज़ें ये क्या कर रहे थे, ये अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहे थे ऐसे लोगों को अच्छा कह के, ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर करके। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक लोभी व्यक्ति है, वो इनसे कनेक्ट बार बार करने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन से, ख़ास तौर पर आपके बैलेंस को, आपके लाइफ में जो सुकून है उसको डिसबैलेंस करने के। देखिए, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर आपके पर्सन से रिलेटेड ये लोग लग रहे हैं मुझे। यहाँ पर दिमून का कार्ड है, तो आप बैलेंस में हैं, आपके ऊपर एंजल्स डिवाइन जी की ब्लेसिंग है और आप एक हीलर हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो भी मैनिपुलेशन, जो भी आपके पर्सन को किया गया है, जो भी निगेटिविटी उनके तरफ प्रोजेक्शन किया गया है, और यदि आपके तरफ ये सारी चीज़ें बातें आती है तो आप डिसबैलेंस होंगे। ये सारी चीज़ें सोच कर, जान कर वो पूर्णिमा या अमावस्या के समय में आपके पर्सन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, या आपकी यदि बेबी हैं तो वो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सपोर्टिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक सोल लेवल पर आपका कनेक्शन है, ये सब वॉन्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहा है। श्री हनुमान जी बाबा जी ने पूरी तरीके से आपको थामा है, उस वक्त भी जिस वक्त ये ईगोइस्टिक लोग आपके तरफ या आपके पर्सन के तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे थे, और आज भी। तो आपके ग्रोथ को जो रोकने की कोशिश करें, उनके ग्रोथ को अभी ब्लॉकेजेस, यहाँ पर एक ग्रहण की स्थिति मुझे नज़र आ रही है। अब उनके लाइफ में ग्रहण की स्थिति आएगी, जो थर्ड आई चक्र पर आपका प्रोजेक्शन किया जा रहा था, अब उनके खुद के थर्ड आई चक्र पर ये सारी चीज़ें होने वाली है। मैं यहाँ पर टू अप सोर्स की एनर्जी देख रही हूँ, जो कुछ भी आपके लिए इन लोगों ने किया है वो चीज़ें इनके तरफ स्वयं बाबा जी पूरी तरीके से, इनका कर्मा बैक, इतने बुरे कर्म इन्होंने किए हैं, इतनी बुरी चीज़ें इन्होंने की है। देखिए, आपके जो क्लोज वन है उनके कर्मों की शुद्धि तो हुई है, ठीक है। अभी जो कुछ बचा हुआ है वो भी आप पूरा कर रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप एक हीलर हैं और आपके आसपास के लोग आपको काफ़ी प्रेम करते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ, काफ़ी सम्मान करते हैं आपकी, और ख़ास तौर पर इस वजह से कि आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं, घबराते नहीं, भागते नहीं, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऐसे संघर्ष आए,
आपके पर्सन के तरफ बार बार ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन फिर भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। और ये देखकर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड पर्सन समझते हैं। मैं यहाँ पर उनकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, भले ही आपको लगता होगा कि आपके अपने लोग ये लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं कि आपके जैसे व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है, और आपके पर्सन को एक जैसे कहते हैं ना भाग्यशाली की तरह समझते हैं। कट क्लियर कैंसर यहाँ पर आया है, तो जो कुछ भी निगेटिविटी है आपके लाइफ से पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से हील हो रहा है। आप यदि हीलर हैं तो भी, आप यदि सोशल वर्कर हैं तो भी, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है वो जो दुखी हैं, जो पहले आपकी स्थिति थी, वो हो सकती है कि आज बहुत लोगों की स्थिति हो, तो आपको उनको गाइड आप कर सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं। तो आपको उनकी हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए यदि वो भाव के साथ आए। आप कुछ मुझे ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किए हुए पर्सन भी आप नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, आपको कोई है जो आपको काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन के रूप में देखते हैं, उनको ये लगता है कि आपके पर्सन ने बार बार या आपके क्लोज वन ने बार बार आपके साथ ये सारी चीज़ें की है जो इनको पता है, लेकिन उसके बाद भी आपने इस व्यक्ति को माफ़ कर दिया, आप इनसे दूर नहीं गए, क्योंकि आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है। आप किसी भी रिश्ते को बहुत ही जैसे कहते हैं शिद्दत से आप निभाते हैं। आपके लिए जो है रिश्ते बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। ये चीज़ें धीरे 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 आपके आसपास के लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। आपके क्लोज वन का जो व्यवहार है वो भी लोगों के बीच में अब आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपने इन सारी चीज़ों को भी किसी से शेयर नहीं किया है। एंजल ऑफ लव की एनर्जी है, एंजल्स आपको इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप एक लवेलेबल पर्सन हैं, आपको हर एक व्यक्ति पसंद करते हैं। आर्क एंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र पर यहाँ पर वर्क करें, तो आपके लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी कुछ भी नहीं रुक सकता, क्योंकि ये आपके पर्सन के लिए भले ही रोका गया है लेकिन आपके लिए ये चीज़ें नहीं रुक सकती है, क्योंकि आर्क एंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र को हील्ड कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हैं, अपने कार्य को बहुत ही शिद्दत से कर रहे हैं। ये सारी स्थिति हुई तो भी आपने अपने कार्य पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। ये चाहते थे कि आपके पर्सन तो ब्लॉक हो गए लेकिन आप भी ब्लॉक हो जाए, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ, पर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ कर्म का आपके पर्सन को, आपके क्लोज वन को भी उनके कर्म का फल मिला है। ठीक है, उनके लाइफ में उनको भी समझाया गया है, उनको भी बताया गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, पर जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, जिन छली लोगों ने ये सारी चीज़ें की है, उनके लाइफ में विशेष का टावर मोमेंट आ रहा है। मंत्र जाप आपको करना है, या यदि आपके पर्सन को हीलिंग आप दे रहे हैं, यदि वो कर सकते हैं तो उनको मंत्र जाप 21 डे उनको मेडिटेशन करना है। लेकिन ये हो सकता है कि भ्रम वाला जो इल्यूजन है जिसकी वजह से वो मेडिटेशन नहीं कर पाते होंगे। आपको क्रोध दिलाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है आपके पर्सन की तरफ, ताकि आप एक हायर वाइब्रेशन में हैं। ठीक है, और आप यदि कोई पॉजिटिव बातें करते हैं तो आपके पर्सन इरिटेट हो जाए, मतलब इस तरीके की एनर्जी रही है। तो यदि आपके पर्सन आपके हायर जो आपका ग्रोथ है उसके अनुसार यदि चलते हैं, वो भी मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपकी हीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके लाइफ में भी एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना है आपके साथ रहने की, और आपके साथ जुड़ने की, और आपके साथ वर्क करने की भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकता है, आपके पर्सन के लाइफ में इनर चाइल्ड वुंडिंग है। ठीक है, एक डोमिनेटिंग, एक कंट्रोलिंग कोई पर्सनालिटी उनके लाइफ में थे, जिसकी वजह से उनके लाइफ में भी बहुत सारे ट्रॉमास यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इन्होंने अपना इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं किया है। जिन्होंने आप लोगों के तरफ जो ये निगेटिव चीज़ें की, उनके लाइफ में भी मुझे लग रहा है यहाँ पर कि हीलिंग नहीं हुआ है, उनका इनर चाइल्ड इशू है उनका। तो इनर चाइल्ड हीलिंग आपके पर्सन के लिए आपको करना चाहिए, या आपको भी यदि ऐसी कोई नज़र आता है कि कोई इनर चाइल्ड इशू है, तो आपको हीलिंग जरूर करना चाहिए। रिलैक्स करें फिर आगे बढ़े। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, बहुत संघर्ष आपने देखा, अब आपको कहा जा रहा है थोड़ा रिलैक्स करके आगे बढ़िए, आराम भी कीजिए, काम भी कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। आपने इस बीच में बहुत बर्डन लिया है, जैसे कहते हैं ना कि आपने लोगों की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, अपने पर्सन की भी जिम्मेदारी, पूरे घर की, एक प्रकार से मतलब आप जिम्मेदारी के बोझ में दबे हुए थे। लेकिन श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा हुई, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें। ठीक है, जो कुछ भी आपको लग रहा था कि इस व्यक्ति ने तो पूरा बिगाड़ दिया, अब कहाँ से किससे बात करूँ,
सडन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपको समझ में आया कि आप एक सशक्त पर्सनालिटी हैं, आपके अंदर वो सारे गुण हैं, विद्यमान हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन आप हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसे निखारा गया है परमात्मा जी की कृपा से, और आपको अब किसी की भी, आपको ऐसा लगा कि अब आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके साथ है, माता जी की कृपा आपके साथ है। आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोग आपको इरिटेट करने के लिए हो सकते हैं आपके पर्सन से कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो आप सारी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप डिटैच हो चुके हैं बहुत लोगों से, यहाँ तक आपको फ़र्क नहीं पड़ता अब आपके पर्सन भी क्या सोचते हैं क्या करते हैं, आप एक बार कह देते हैं फिर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी, एक हीलिंग वाली एनर्जी है। तो जो भी आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे थे उनके तरफ ये बैकफायर हो गया है, उनके खुद के लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, उनके मणिपुर चक्र पर यहाँ पर मुझे उनके कॉन्फिडेंस लो होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी ग्रोथ को देखकर एक प्रकार से सर पकड़कर कोई महिला या कोई पुरुष, कोई मेल या कोई फीमेल बैठे हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेक केयर।